मेरी तैयारी कर लो, लगता है कि मेरा समा आ गया। चल गंदी आत्मा, इसके शरीर से, इसकी बॉडी से, राइट नाउ शट, अभी जड़ से शट, इसके पेट को छोड़, उसके पेट को शट, शट 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 छोड़, उसके पेट को चल निकल, इसकी बॉडी से, इसके शरीर से, इसके पेट से, राइट नाउ इसी क्षण आउट आउट इन द नेम ऑफ जीसस फ्री। तो जिस सिस्टर का नाम सविता है और जे मोकमपुरे के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की गवाही जे बता रहे हैं कि एक हफ्ते से इनको लूज मोशन की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण जे बहुत परेशान थे, जे बता रहे हैं कि एक हफ्ता हो गया था और इस प्रॉब्लम से जे बहुत ज़्यादा इनके पेट में दर्द रहती थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी खाई पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, और जिसके कारण दर्द से तो जे बहुत ही परेशान हो चुके थे। जे बता रहे हैं कि जे थोड़ा सा भी चल फिर नहीं सकते थे, जे बेड पर ही रहते थे, क्योंकि इनकी बॉडी में वीकनेस होने के कारण इनकी टांगों में बहुत ही दर्द रहती थी और मेडिसिन से फ़र्क नहीं था, और जब भी जे खाना खाते थे, अगर हल्का भी खाना खाते थे तो उसी समय इनको टॉयलेट जाना पड़ता था। तो इसके कारण फिर इन्होंने ड्रिप भी लगाए तो फिर भी कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ा, जे बहुत ही परेशान हो चुके थे। जे बता रहे हैं कि जे बहुत ही रोते थे कि इतनी प्रॉब्लम आ गई थी कि पता नहीं जे बचेंगे कि नहीं, क्योंकि जे अपनी फैमिली को भी कहते थे कि मैं बहुत, मेरी हालत ऐसे ख़राब हो चुकी है, पता नहीं मैं बच सकती हूँ कि नहीं। और जैसे इनकी फैमिली भी जानते थे, वो सब ऐसे चर्च जे आ रहे थे, और इनकी बेटी को भी विश्वास था कि जैसे जे चर्च जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे। और जैसे जे सिस्टर जब पिछले संडे मीटिंग में आए तो इनके लिए जिन्होंने जब अपनी प्रॉब्लम के लिए परमेश्वर के दास को जब बताया तो इनके लिए जब ले एंड हुई, पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। हफ्ता हो गया ठीक नहीं है, ड्रिप भी लगवा ले पर मान नहीं आया, मैं इसका कहीं विश्वास किया कि मैं ठीक हो चुकी। की नहीं ठीक की होया कि पेट से दर्द है, लूज मोशन लग गए। कितने दिन से लगे लूज मोशन? हफ्ते तो ज्यादा ही हो। अभी भी है? हां जी। हां हां जी अभी भी है। इसके सिर पर हाथ रख दे। यस खुदावन, चल पाप के अंधकार की शक्ति, चल गंदी आत्मा, इसके शरीर से, इसकी बॉडी से, राइट नाउ शट, अभी जड़ से शट, इसके पेट को छोड़, उसके पेट को शट 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 छोड़, उसके पेट को चल निकल, इसकी बॉडी से, इसके शरीर से, इसके पेट से, राइट नाउ इसी क्षण आउट आउट इन द नेम ऑफ जीसस फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। और जो बता रहे हैं कि जैसे इनके लिए प्रेयर हुई और जिनके पेट में बहुत ही दर्द थी एक हफ्ते से, और लूज मोशन की प्रॉब्लम थी, बॉडी में वीकनेस होने के कारण टांगों में दर्द रहती थी, जो चल नहीं पा रहे थे, और जो बता रहे जैसे प्रेयर हुई और प्रभु की ग्रेस ने इनको छुआ और जो पेट की दर्द थी उसे समय परमेश्वर के छुआ और दर्द से फ्री हो गए। और जो बता रहे कि बाद में जो धन्यवाद में बने रहे, प्रार्थना करते रहे, और दो ही दिन में जो एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया लूज मोशन की प्रॉब्लम थी उससे भी परमेश्वर इनको अच्छा कर दिया। और जो बता रहे कि जैसे ही जिस सब प्रॉब्लम से तो परमेश्वर इनको अच्छा कर दिया, और जैसे ही इनकी बात टीम के साथ हुई तो इन्होंने बताया कि बाकी तो प्रॉब्लम सही है, अभी मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इनको और भी उत्साहित किया गया कि जो प्रार्थना परमेश्वर के दास के द्वारा आपके लिए हुई आप धन्यवाद करें, अगर परमेश्वर ने आपको उस प्रॉब्लम से अच्छा किया है तो इस ये प्रॉब्लम भी आपके लिए बड़ी नहीं है, आप धन्यवाद दें। तो ये बता रहे कि परमेश्वर ने मुझे उस प्रॉब्लम से भी अच्छा कर दिया और आज ये सिस्टर पूरी तरह से अच्छे हो चुके, जो कि इन्होंने एक हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया था, हल्का भी खाते थे तो इनको टॉयलेट जाना पड़ता था। अभी जे बता रहे कि अभी जे खाना भी खा रहे, इनको पच रहा है,
जो टांगों में दर्द रहती थी, परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको आज पूरी तरह से फ्री कर दिया है। हम सब अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तारीफ करेंगे कलीसिया, जो परमेश्वर इनको एक हफ्ते से जो प्रॉब्लम थी, लूज मोशन की प्रॉब्लम थी, पेट में दर्द रहती थी, बॉडी में वीकनेस हो गई थी, इनकी टांगों में दर्द रहती थी, चल नहीं सकते थे, और जैसे ही जिस विश्वास से जिन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, इनके लिए जब प्रार्थना हुई, तो परमेश्वर की ग्रेस ने उसी दिन ने श्योर पेट की दर्द से फ्री किया। और आज परमेश्वर ने को जो पेट में लूज मोशन की प्रॉब्लम थी, उससे भी आज परमेश्वर ने को अच्छा कर दिया। अभी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ये खाना भी खा रहे, पच रहे हैं, घर का काम भी करते हैं, पूरी तरह से परमेश्वर ने इनको आजाद कर दिया। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया, जोर से परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमेन। सच में वो परमेश्वर महान है, बोल गए, जो अपने लोगों को कैसे छुड़ाता और चंगा करता है। इस एक समय से ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं अपनी फैमिली को, ये परिवार को बोल रहे थे कि शायद मैंने बचना नहीं। जो लोग संडे आए थे उन्होंने इसकी हालत देखने वाली थी, इसकी हालत क्या थी, बोलो क्या थी। ये अपनी फैमिली को बोल रहे थे कि शायद अब मैंने बचना नहीं, इतना कमजोर हो गई। क्योंकि किसी को लूज मोशन दो दिन हो जाए, सिर्फ दो दिन, उसकी बुरी हालत हो जाती है, और हफ्ते से प्लस एक हफ्ते से ज्यादा इसको ये प्रॉब्लम होगी। बोलो क्या होगी, कुछ भी पच नहीं रहा, अगर कुछ खाते हैं तो तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है। क्यों जी, इनको माइक देना थोड़ा सा। हाँ जी पापा, जय मसीह की। जैसे आप कुछ खाते तो तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता था। हाँ जी, आपको कुछ भी पच नहीं रहा था। नहीं पच नहीं रहा, रोटी भी नहीं खाने का दिल करता, देखने का भी नहीं दिल करता था, देखने तक का नहीं दिल करता। हाँ जी, अगर कुछ भी हल्का खाते तो वो भी पचता नहीं था। नहीं। और इसके लिए आपने बहुत सी मेडिसिन खाई। मेडिसिन भी खाई, लगती नहीं थी, ग्लूकोज भी चढ़ाए। रात को 9:30 बजे गए, पहले डॉक्टर ग्लूकोज नहीं लगा रहा था, टाइम ज्यादा हो गए, बोलने लगे कि तू कोई बात नहीं आप लगा दो, डॉक्टर साहब ज्यादा हालत बुरी हुई है, हालत ज्यादा खराब है, और ड्रिप मतलब ग्लूकोज जरूर लगवाओ। हाँ जी। वो भी लगवाई। हाँ जी। फिर भी कोई आराम नहीं मिला। आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी, आपको ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने बचना नहीं, नहीं। ऐसे लग रहा था, इतनी हालत ज्यादा खराब होगी, इतनी वीकनेस आ गई, आपसे उठना बैठना चलना बहुत बुरा हाल हो गया। हाँ, मैंने इनको बोल भी दिया, मैं कह मेरी तैयारी तुरी कर लो, मैं नहीं बचना। ओ देख लो, मेरी तैयारी कर लो, लगता है कि मेरा समा आ गया। क्या आ गया, आपने देखा ना, जब संडे लास्ट पर जब मैंने प्रार्थना के बाद जब मैंने कुछ लोगों को कहा था कि कौन लोग हैं कि जो लग रहा है जिन्हें कि मैं अभी भी प्रॉब्लम, तो कुछ लोग खड़े हुए, ये भी हुई थी, और आपने इसको देखा, इसकी हालत कितनी उस दिन खराब थी। 2 मिनट भी इसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, ये पूरी मीटिंग में वर्षी में थोड़ा सा बस खड़ी रहती, फिर बैठ जाती, बुरी हालत थी इसकी। और उस दिन से लेकर आज तक खुदावंद ने बिल्कुल आपको चंगा रखा है। आप कोई लूज मोशन नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई मेडिसन नहीं खा रहे, बिल्कुल परमेश्वर ने पूरी तरह फ्री कर दिया है। अभी कोई चलने में, कोई उठने बैठने में दिक्कत तो नहीं है। नहीं। उठो बैठो, फिर उठो बैठो, अभी चलकर दिखाओ, दौड़ कर दिखाओ लोगों को, इस आगे आ जाओ, इस साइड, यहां से भाग कर जाओ एक साइड पे, उस साइड और उस साइड, खुदावंद के लिए जिसने आपको अच्छा किया है, दौड़ कर जाओ, दौड़ कर जाओ, जाओ उस साइड, दौड़ कर जाओ, दौड़। Hallelujah! Amen. इसलिए हमारा परमेश्वर जीवित है। बोलो क्या है, जो काम मनुष्यों से नहीं वो किससे हो सकता है, ये छोटी सी नहीं है। जो खुद मुंह से जो इंसान बोल रहा है कि मैंने लोगों को कहा
अपनी फैमिली को कहा कि अब तुम तैयारी कर लो। और उसी दिन खुदा के दूत ने इसे शुआ, बोलो क्या है, और आज आपके सामने भले चंगे। अभी तो कमजोरी तो नहीं ना कोई, तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। मैं देनी है गवाही ओदे नां दी के यसु मैनू चंगा करिया, मैं देनी है गवाही ओदे नां दी के यसु मैनू चंगा करिया। करा दिल तो तारीफ ओदे नां दी, करा दिल तो तारीफ ओदे नां दी के यसु मैनू चंगा करिया। मैं देनी है गवाही ओदे नां दी के यीशु मैनू चंगा करिया। हालेलुया, देनी है गवाही ओदे नां दी के यीशु मैनू चंगा करिया। आमीन।